चले मेरे घोड़े, चले मेरे घोड़े। ए गुड़िया, जरा संभल के। ए, खेल बहुत हो चुका, आप जाके खाना खा लो। डैडी को आने दो। ए, उसके आने जाने का कोई भी सही वक्त नहीं होता है। उसके लिए तुम लोग क्यों भूखे मरते हो? वो जल्दी आएंगे ऐसे कहकर गए थे। उसको पैदा मैंने किया, उसे मैं संभाल नहीं पा रही हूँ सोचकर तुझसे शादी करवाई। तुम्हारी भी यही हाल है। हाय गुड़िया। हाय डैडी। आजा बेटा। क्या माँ, मेरे बारे में क्या बात कर रही हो? अच्छा या बुरा है? अच्छा कैसा रहेगा बेटा, एक अच्छा बेटा नहीं बने, एक अच्छे पति नहीं बने। जल्दी घर आकर सबको घुमाने ले जाओगे कहा था ना, कभी एक दिन भी लेकर गए हो क्या? लेकर गया था ना माँ, शादी के दूसरे ही दिन भगवान की पिक्चर दिखाने ले गया था। और जब हमारी गुड़िया पेट में थी ना, तब वो कौन सी सांप की पिक्चर देखकर तुम भी डर गई थी ना? एनाकोंडा डैडी। हाँ एनाकोंडा। इतना सर्व करने के बाद मैं एक अच्छा पति साबित हुआ ना, ठीक कहा ना पुष्पा? हाँ? देखा माँ, सुना, पूरा शहर डरता है तुमसे। ए तो क्या तुम्हारी बीबी नहीं डरेगी? देखो 11 बज चुके हैं, बच्चों को भूख भी लगी है, इन्हें ले जाकर खाना खिलाओ। मम्मी खाना जल्दी लाओ ना। बेचारे बच्चों को बहुत भूख लगी। मम्मी को अभी दे दे। इतनी देर लगा क्यों? जल्दी खाना खिलाओ। इसका मुंह देखो ना कितना उतर गया है, जल्दी दो। मुंह को देती हूँ। चलो मुंह खोलो। डैडी एक गुड न्यूज है। क्या बात है बेटा? मैं क्लास में वाह 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 मेरी गुड़िया वाह। डैडी मुझे भी फर्स्ट क्लास मिला है। वेरी गुड। अरे ठीक से तो देखिए। गुड। पूरे शहर में मैं नंबर वन हूँ और क्लास में तुम लोग नंबर वन हो। सपना तुम्हारा मार्क्स कार्ड कहाँ है? आई एम सॉरी डैडी, मैं फेल हो गई। तुम अच्छी तरह से तो पढ़ रही थी, फिर फेल कैसे हो गई? अच्छा जाने दो, अगली बार जरूर पास हो जाओगी। ठीक है डैडी। बच्चों को और खाना दो। कौन है आप? पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और पॉलिटिशियन को पता है मैं कौन हूँ तुझे नहीं पता? बलराम हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? TAS पब्लिक स्कूल की 7वीं कक्षा की क्लास टीचर तुम ही हो ना? हाँ हूँ। मैं नंबर वन हूँ, अपने बच्चों को भी नंबर वन देखना चाहता हूँ, लेकिन तुमने फेल कर दिया। किसको? तुम्हारे स्टूडेंट मेरी बेटी सपना को। वो थोड़ी वीक है। दूध अंडा खिलाते हैं उसे। मेरा मतलब पढ़ाई से है। झूठ बोले कि तू काट डालूगा, मैं जो पूछता हूँ वो सही बताती है। ये फर बोले तो एप्पल बोलती है, बी फर बोले तो बॉल बोलती है, और कुछ पूछने पर व्हाट इज योर नेम क्या, हाँ ये पूछे तो सही नाम बताती है। आप कहाँ तक पढ़े हैं? चार क्लास तक। हाँ वो अब 7वीं में है, पोर्शन ज्यादा होता है। मैं तो ठीक से पढ़ाना चाहिए। मैं तो ठीक से ही पढ़ाती हूँ। इतने साल से अपनी बेटी को पाल रहा हूँ, मुझे पता नहीं उसके बारे में? रिश्वत देकर टीचर बन जाते हो, पढ़ाने तो आता नहीं है, बच्चों को फेल कर देते हो। तुम टीचर के काम करने के लायक नहीं हो, या तो तुम इस्तीफा दे दो या फिर सपना को फर्स्ट रैंक दो। क्या सोच रही हो? मैं इस्तीफा दे दूंगी। हाँ पहले यही काम करो, बच्चों का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। चलता हूँ। गुड मॉर्निंग। शारदा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं। इसलिए कहते हैं बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप की है। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं ही देख रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, ऑफिस आकर फोन करूंगा। क्या कहेंगे? ओके I will get back. Bye. इडली खाएंगे? नहीं इडली नहीं खाऊंगा, कुछ और है क्या? हो जाएगा। इसमें उपमा है। इसमें उपमा है। अनु, नए बाइक की चाबी यहाँ रखी है, तुम्हारे देवर को ले जाने के लिए कहो।
इनसे कहो भगवान ने जो पैर दिए हैं वो अभी सही सलामत हैं। पैर सलामत है तो बस में लटक कर क्यों आ रहा था, पूछो इससे। पैर दर्द कर रहे थे इसलिए दोस्त जबरदस्ती बस में ले गया। फिर भी हमारे घर में रहने वाला टपूरी की तरह बस में ट्रेवल करते समय पुलिस के चंगुल में फंस कर फाइन भरे तो हमारी इज्जत जाएगी। इस पार्था से पंगा लेने वाला कोई पुलिस वाला पैदा नहीं हुआ है, इन्हें बता दो भाभी। मम्मी यहाँ होगी तो बताएगी ना। मम्मी तो किचन में चली गई। जब दोनों पास में बैठे हैं तो ऐसा नाटक क्यों करते हैं आप? सीधा डायरेक्ट बात कर सकते हैं ना, अजीब बात है। हाँ ठीक है चाबी रख ले। किसी और की बाइक मुझे क्या करनी है, नहीं चाहिए। ठीक है बता चाहिए या नहीं। एक बार नहीं कहा तो समझ में नहीं आता, नहीं चाहिए। ये नहीं सुधरेंगे अंकल। मम्मी मुझे एक दिन अपने फ्रेंड के घर ले गई। उस दिन से मुझे एक डाउट है। क्या? कुछ गोद भराई की रस्म कर रहे थे। कह रहे थे तो क्या हुआ? वो क्यों करते हैं? वो क्या है, बच्चा होने से पहले सब आशीर्वाद देते हैं ताकि माँ और बच्चे पर कोई मुसीबत ना आए। ये तो पता है लेकिन बताओ वो बच्चा पेट में कैसे जाता है? ये कैसा सवाल पूछ रहा है यार। ठीक है एक काम करो, मुझे दो दिन का टाइम दो, सोच कर बता दूंगा। अच्छा तो आप एक काम करो, आप सोचते रहना और मेरे लिए कैडबरी लेके आना, तब तक मैं भी सोचता हूँ। ये लो गॉगल पहन लो, यहाँ बहुत सी लड़कियाँ आती जाती रहती हैं, उन्हें घूरते रहना। हाय नेहू। नेहू? वो नेहा को शॉर्ट करके मैंने नेहू कर दिया है। यहाँ कैसे आना हुआ? ओ मेडिकल स्टोर है ना, तो दवाई लेने आई होगी। नेहा नेहू चाचू क्या आ रहा हूँ? ये चाचू लड़की के पीछे क्यों जा रहे हैं? ए नेहा रुको तो जरा। देख कर जाना। देख कर, ये तुम्हारे चक्कर में एक्सीडेंट होने वाला था। उस दिन से लेकर आज तक पूछ रहा हूँ और आप है कि बिना बताए गायब हो जाती है। कम से कम एड्रेस या फोन नंबर तो देना चाहिए ना। पिछली बार जब मिले थे तो किस्मत में रहा तो मिलेंगे कहा था। देखिए मुझे किस्मत विस्मत में यकीन नहीं है, है? ये क्या, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप चुपचाप चली जा रही है, बात क्या है बताइए ना। ओहो क्या चाहिए आपको? पता चाहिए मुझे, मैं इतने दिन से आपके पीछे पड़ा हूँ। एटलीस्ट आप वही रुके, एटलीस्ट एक क्यू दीजिए। क्यू? आपकी उम्र के काफी लोग घूमते रहते हैं उस एरिया में, आके देखिए। ऑटो बेकार में यहाँ से वहाँ से घूमना पड़ रहा है। बाइक कहाँ गई? लड़की को ऑटो वाला लेकर गया, बाइक को पुलिस वाला लेकर गया। इसीलिए बड़ों ने कहा है काले पैसे के पीछे जल्दी गाड़ी के पीछे घूमती लड़की के पीछे नहीं जाना चाहिए। ये तुमने कहाँ से सीखा? किसी नाटक में सुना था। तेरी तो नाटक दिखता है, चल। चॉकलेट कहाँ है? बहुत मारूंगा तुझे। सर दो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके कहाँ गए थे? लड़की के पीछे। मजाक कर रहा है सर, आदत है। लड़का काफी समझदार लगता है। होगा क्यों नहीं सर, समझदारी तो इसके खून में है। ये लीजिए सर, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके लड़कियों के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने अंकल। मैं चलता हूँ सर, चल रहे। पार्था पार्था क्या है भाभी? मैंने जो लिस्ट दी थी उसमें से एक भी सामान नहीं आया। क्यों भूल गए क्या? मैं क्या पूछ रही हूँ? क्या भाभी? लिस्ट सामान का है। सामान ना भाभी? हाँ सभी बेकार का था इसलिए नहीं लिया और आ गया। पैसे कहाँ है? इसी वक्त चाहिए है ना, यही यही रखे थे मैंने। निकालो। जो पैसे चले गए अब कहाँ से दोगे चाचू? इतना छोटा होकर झूठ बोलता है। तो पैसे दो ना, निकालो। यही तुम्हारे पैसे यहाँ गए। ये तो पुलिस। कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की? मैंने सब कुछ बता दिया।
तो मैं कौन है? अरे भाभी, इसकी बात पर तो मैं चुपचाप बताते हो या नहीं? नेहा। उसका एड्रेस, जात, फैमिली बैकग्राउंड? नेहा, सिर्फ उसका नाम पता है। कितने दिनों से चल रहा है ये? 15 दिनों से। प्यार क्या?